குழந்தை திருமணங்கள் நடந்துச்சு. இதுதான் பெண்களுக்கு சனாதனம் செய்தது. ஆனா பெண்களுக்கு திராவிடம் என்ன செஞ்சது? பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து வசதி செய்து கொடுத்தது. தமிழ்நாடு के सीएम எம் கே ஸ்டாலின் के बेटे और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समानता एवं सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर एक ओर जहां पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बाहुबली नेता, कोंडा विधायक और जनसत्ता पार्टी चीफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इंडिया गठबंधन से बड़ी मांग भी कर डाली। राजा भैया ने ट्वीट कर लिखा, कल उदयनिधि स्टालिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिए। यह बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन डीएमके से सहमत है या उसे निकाल बाहर करेगा, चुनाव होने हैं, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस एवं मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ की शनिवार यानी 2 सितंबर को चेन्नई में आयोजित बैठक को तमिल में संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उल्लेख सनातनम के तौर पर किया। उन्होंने कहा कि सनातनम क्या है? ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। उदयनिधि ने कहा, सनातन का क्या अभिप्राय है? ये शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता है, और यही इसका मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। मंत्री ने कहा कि सब कुछ बदल जाना चाहिए और कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि वामपंथी आंदोलन और डीएमके की स्थापना सभी पर सवाल करने के लिए की गई है। கைம்பெண்களுக்கு மொட்டை போட்டு வெள்ளப்படுவை கட்ட வச்சு தான் சனாதனம். குழந்தை திருமணங்கள் நடந்துச்சு, இதுதான் பெண்களுக்கு சனாதனம் செய்தது. ஆனால் பெண்களுக்கு திராவிடம் என்ன செஞ்சது? பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து வசதி செய்து கொடுத்தது. கல்லூரியில் படிக்கின்ற பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டம், மாதம் 1000 ரூபாய் அவங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, கல்வி ஊக்கத்தொகை. வருகின்ற செப்டம்பர் 15 பேரங்கர் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளில் தமிழ்நாடே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம், மாதம் 1000 ரூபாய். ப்யூரோ ரிப்போர்ட், யுபிதா.